हाय ऑल, आज हम बना रहे हैं बीटरूट का हलवा जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बन रहा है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ बीटरूट लिया है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक पैन में गरम करेंगे, उसमें मैं घी डाल रही हूँ। मैंने बहुत थोड़ा सा घी डाला है। जैसे ही घी गरम होगा मैं उसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू बादाम, इनको रोस्ट कर लूँगी घी में। ये देखिए ये रोस्ट हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। फिर से उसी पैन में मैं घी और बढ़ा रही हूँ। घी गर्म होते ही मैं इसमें जो कद्दूकस किया हुआ बीटरूट है वो डाल दूंगी। इसे चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे हम बीच बीच में। जैसे ही 5 मिनट्स इसे पकाने के बाद हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। बेसिकली हमें इसे मिल्क में पकाना है। इसे थोड़ी देर चलाने के बाद मैं इसे कवर करके रख दूंगी। थोड़ी देर हम कवर करेंगे, 5 मिनट्स अराउंड, और देखिए एकदम से ये इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। मिल्क अच्छे से इसमें बीटरूट पक गया है। मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। बीटरूट के बहुत फ़ायदे होते हैं, ये रिच इन आयरन है, स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा होता है। शुगर मेल्ट हो गई है, ये देखिए शुगर मेल्ट हो रही है। बीच बीच में इसे चलाते रहें। इसको हम 10 से 12 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। अगर एकदम से इसमें मिक्स हो जाए तब हम इसमें खोआ डालेंगे। ये घर का बना हुआ खोआ है, इसकी रेसिपी की लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने इसका वीडियो पहले भी डाला है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीटरूट का हलवा बहुत ही डिलीशियस होता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। जब ये प्रॉपर मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो हमने रोस्ट किए थे, साथ में इलायची पाउडर। ये देखिए बिल्कुल एक जैसा हो गया है, रेडी है। आप इसे गरम गरम सर्व करें। इसके ऊपर से भी मैं थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।